भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संबंध में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भाजपा का सदस्यता अभियान प्रधानमंत्री की सदस्यता ग्रहण करने से शुरू हो गया है। डिजिटल इंडिया पर आधारित इस अभियान में हम सभी जातियों व वर्गों को समान अवसर देने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके जरिए भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने व हर वर्ग को साथ लाने का लक्ष्य है। 3 सितंबर से जिलों में अभियान शुरू होगा। हमारा उद्देश्य राष्ट्र और समाज निर्माण में भागीदारी निभाना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा आधारित पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए लगातार काम करती है। यहाँ संगठन 365 दिन 2400 घंटे काम करता है। सदस्यता अभियान की पिछली भीड़ होती है, संगठन की भीड़ होती है, इसलिए नए सिरे से सारे लोगों का डेटाबेस अच्छे तरीके से तैयार हो और नए लोग पार्टी से जुड़े। ऐसे लोग जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था कि जिनके परिवार में, जिनके बाप दादा परिवार में कोई भी राजनीतिक सदस्य ना हो, ऐसे 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का उन्होंने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया था। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर जाति, हर वर्ग, सर्वसमावेशी पार्टी का निर्माण के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जैसे आज प्रधानमंत्री जी की सदस्यता होने जा रही है, फिर आदरणीय कल मुख्यमंत्री जी की सदस्यता होगी, फिर जिलों में सदस्यता कार्यक्रम चलेगा। और ये पूरी टेक आधारित है। डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने पूरे देश के लिए इंट्रोड्यूस किया है, उसे पार्टी में भी हम अप्लाई कर रहे हैं। और सभी साथियों का पंजीयन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा। जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं, वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी हाईटेक तरीके से डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत अपने विचारधारा और संगठन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के लिए सदस्यता अभियान आगे बढ़ा रही है। इसमें हम सब लोग अपना 100% देते हुए काम